तो भाई जब हमें कोई चीज़ नहीं पता चलती है, किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरे से पूछते हैं कि भाई ये काम कैसे करें, या कोई भी चीज़ हो उसके बारे में हम दूसरे से जानकारी ले लेते हैं। तो अब मुझे भी बहुत सी चीज़ें जो है ट्रक के बारे में जैसे नहीं मालूम होती है। तो पीछे आपको हमारे उस्ताद लेटे दिखाई दे रहे हैं, और इन्हें आपने कई एक वीडियो में देखा भी है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ जब हमें नहीं मालूम होती, वैसे तो बहुत सी चीज़ों की जानकारी है हमें, लेकिन उसके अलावा भी जब कोई चीज़ हमारे नहीं समझ में आती है तो उसके बारे में हम इनसे पूछ लेते हैं। और ये जो है ये एक परफेक्ट ड्राइवर है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी लंबे समय से जो है ये गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी के बारे में बहुत सी चीज़ें बताते हैं। और जो है उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। आप इनको जो है वीडियो बनाना नहीं आती है और ये बता भी नहीं सकते उस हिसाब से, लेकिन हमें जो है जब फेस टू फेस हम लोग आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत सी चीज़ों की जानकारी ये देते हैं, और उसी जानकारी को वीडियो के माध्यम से जो है हम आप तक पहुंचा देते हैं, ताकि आप लोगों को भी हर एक चीज़ की जानकारी जो है ट्रक के बारे में मालूम चल सके। तो आज का वीडियो जो है वो इसी के बारे में है, और बहुत सी चीज़ें जो हम इनसे पूछेंगे और ये हमें बताएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो भाई ड्राइवर साहब, ये बताइए कि गाड़ी में जैसे कि मान लीजिए जो कमानी इस समय पड़ी हुई है, इतनी कमानी अगर गाड़ी में पड़ी रहेंगी और आप वजन जो है 50 टन ला दो इस पे, तो कमानी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कमानी में फर्क जरूर आएगा भाई, थोड़ा अच्छा। बहुत फर्क पड़ेगा। कमानी अगर थोड़ी टेढ़ी रहती है तो बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, और सीधी रहती है अंडरलोड में तो नीचे झुक जाएंगी। फर्क आएगा इस पे बहुत बड़ा। अच्छा, इंजन में फर्क पड़ेगा, चलने में फर्क पड़ेगा, टायरों में फर्क पड़ेगा, सब पर फर्क, कमानी के सारे पर फर्क आएगा। अच्छा, तो जैसे आप ओवरलोड में जब चलाते हो तो जो है मतलब कमानी बढ़वा लेते होगे? हाँ, कमानी बढ़वा लेते हैं। अच्छा, पहले जब ओवरलोड में चल रही थी गाड़ी तो कमानी बढ़वाई होंगी? हाँ, कमानी बढ़वाई होंगी आज भी। अच्छा, तो उसके बाद जब अंडरलोड चली तो निकलवाई कमानी? नहीं, वही पड़ी चल रही है। ज्यादा कमानी होने से गाड़ी खाली, गाड़ी कूदती बहुत होगी, कूदती ज्यादा है। रोड रोड खराब जब होता है, ज्यादा मारती गाड़ी जब रोड खराब हो, गड्ढे उड्ढे हो रोड पे, और कमानी आपकी अगर ज़्यादा हो तो गाड़ी जो खाली गाड़ी बहुत ज़्यादा कूदती है। और जैसे एक कंपनी जब कोई भी नया ट्रक बनाती है तो उस पर वो वजन का जो है मतलब वजन जो है वजन के हिसाब से ही जो कमानी उसमें लगा करके देती है। मान लीजिए कितनी कमानी होती? कमानी ऐसे होती 15-16। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे 15 कमानी 10 चक्के में लगा के दिए कि भाई ये 15 टन पे ये कमानी जो चलती रहेंगी, काम करती रहेंगी, जैसे ये शॉकर का काम करती है कमानी जो होती है, और उसी गाड़ी में 15 टन की जगह जो है अगर आपने 50 टन वजन लाद लिया। अब जैसे ये 10 चक्का गाड़ी है, इसके अंदर आप सोचोगे कि 50 टन माल कैसे जाएगा, तो अगर इसके अंदर मोरंग, बजरी, गिट्टी या पत्थर वगैरह अगर आप बाड़ी के लेवल में भरोगे तो बाड़ी से कुछ नीचे तक जो है 50 टन आ जाएगा आराम से, 50 टन आ जाएगा आराम से। बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। लेकिन कमानी जो है, और ये गाड़ी चलेगी भी लेकिन कमानी कब टूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं, अगर आपने कमानी बढ़वाई नहीं है तो। तो जब गाड़ी ओवरलोड चलती है तो कमानी जो फिर बढ़वाना पड़ती है, और कमानी कहाँ लगी होती है वो आप देखिए, ये होती है कमानी, और इन्हीं कमानी को जो है इसमें से जो पटे बोलते हैं कमानी के जो पटे होते हैं, तो इनको जो है निकलवा लेते हैं जब ओवरलोड में गाड़ी चलाते हैं, तो मतलब पड़वा लेते हैं, और जब अंडरलोड चलती है गाड़ी तो इनको फिर निकलवा लिया जाता है, क्योंकि ताकि गाड़ी हमारी जो है वो खाली गाड़ी कूदे ना ज्यादा। ये कंपनी नहीं अलग से आते हैं, कंपनी है। और ये कंपनी जो है नहीं बना के देती, कंपनी जैसे जो जितनी कमानी जरूरत है उतनी ही लगा के देती है, फिर आपको ओवरलोड में अगर चलानी है तो कंपनी से नहीं है बल्कि आपको जो मार्केट से खरीद के ये कमानी जो है फिर लगवानी पड़ेगी। मार्केट से आती ना? हाँ, मार्केट में मिल जाती कमानी, मिलते हैं कमानी पटे, ये सब मार्केट में जो है अवेलेबल रहता है, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो हमने सोचा कि थोड़ी सी बातचीत करते हैं इनसे और एक वीडियो बना करके जो है आप लोगों तक पहुँचा देते हैं, और कमानी के बारे में आज बात कर लेते हैं कि कमानी और क्या क्या चीज़ें होती हैं ओवरलोड चलाने में। टायर भी चेंज करे जाते हैं? नहीं, टायर सब वही होते हैं, केवल कमानी चेंज ही होती है। टायरों की कोई दिक्कत नहीं? टायर तो आप जो आप 15 टन में चला रहे हो वही 50 टन में भी चला रहे हैं, लेकिन ये है ओवरलोड में अगर कमजोर टायर भी फट जाएगा जल्दी, और 50 टन में चलना मुश्किल पड़ जाएगा।
ओवरलोड जो है, ओवरलोड में अगर आप चलाएंगे तो टायरों की घिसाई भी बहुत ज़्यादा होती होगी। वहाँ तो बैटरी का डीजे लगा, जहाँ 10 लीटर में 10 किलोमीटर में 3 लीटर खाता है, वहाँ 10 किलोमीटर में फिर 6 लीटर खाएगा। उसमें जो है फिर उसमें छोटी सी गिट्टी भी अगर टायर के नीचे आ जाती तो फिर फटने का भी डर हो जाता है। अगर कमजोर टायर है तो वो अपोलो वाले टायर आते हैं ना, रेडियल के, सब सारे सब एक थोड़े बहुत होता है, कंपनी होते हैं, कोई MRF है, कोई अपोलो है। और इसका टायर फटता है तो आप समझ सकते हैं, टायर जो है काफी कॉस्टली होते हैं, काफी महंगे टायर होते हैं। तो एक जुट्टा कितने का आता है लमसम? इस टाइम से जुट्टा आ रहा है 32-33 हज़ार रुपए का। 32-33 हज़ार रुपए का जो है एक जोड़ी टायर आता है। और तो एक टायर की कीमत लगभग वही 15-16 हज़ार रुपए के आसपास। तो 15-16 हज़ार रुपए का एक टायर होता है, और आपने एक टायर फाड़ लिया तो आप पता चला दो चक्कर में आपने 15-16 हज़ार रुपए कमाए, वो आपके पास से जो है चले जाएंगे। तो इसलिए भी ओवरलोड में ज़्यादा गाड़ी चलती नहीं है, या तो आपको जो है भाड़ा उस हिसाब से मिल रहा है कि आपको मोटा पैसा बच रहा है, तब जो है टायर हम अपने नए डलवा लिए और हम चला रहे हैं कि भाई चलो टायर फट जाएगा या जल्दी घिस जाएगा तो हम जो है टायर डलवा लेंगे। तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी यही सब चीज़ों की बातचीत करते हैं, और ज़्यादा अगर बातचीत करेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो है इसी ये थोड़ी सी हमने का जानकारी लेकर के आप लोगों के पास तक पहुँचा देते हैं कमानी और टायर के बारे में। और आप लोग कमेंट किया करिए ज़रूर, मतलब किसी भी चीज़ की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, और हम जो है आपको उसका वीडियो बना करके आपके माध्यम, मतलब वीडियो के माध्यम से आप तक जो है पहुंच जाएगी वो जानकारी। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।